पर मेरी बात तो सुनो। ए, अब तू सुन मेरी बात। सुन रही? वो 2250 रुपए के आस्ते मेरे को नंबर बदल बदल के फोन आ कर रही है। जिसको करना है उसको तो नहीं कर रही, मेरे को कर रही है, बेशरम। 2250? आपने बीच तो 500 रुपए का मैटर था ना। हाँ ठीक है, तो वो 2250 वाली के साथ ही बात कर लो, मेरे को कॉल नहीं करना आगे से, समझे तुम? शिट। बेच रहा। तेरी माँ का, चल निकल। तमन्ना का फोन था ये। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहती हैं, वह अभी स्विच्ड ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। ए समीर, सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। इतना कहीं को याद आ रहे तुम, हौला बना के घुमा रहे तुम, ना फोन कर रहे ना मैसेज कर रहे, होना बोल के तड़पा रहे तुम। ऐसा मेरे दिल को जलाओ नको, मेरे को ऐसा तड़पाओ नको, ऐसे नाटका करके तारे जमीन पे दिखा रहे तुम। इतना कहीं को याद आ रहे तुम, इतना कहीं को याद आ रहे तुम। उसका जो दिख रहा है फोन। हेलो। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। सही में इतना प्यार करते हैं आप मेरे से? इस गाने को अपनी कॉलेज ट्यून बनाने के लिए आज दबाएं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, उन्हें नजदीक आ रही तो फटरी मेरी। वहीं चुरक जाओ रजाक, एक तो तुम्हारे वजह से बहुत टेंशन है मेरे को ऑलरेडी। देखो मेरा कल रात में वो मतलब नहीं था, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आई एम रियली सॉरी। सॉरी गया तेल लेने, समझे? एक तो तुम्हारी वजह से पूरी रात पढ़ाई नहीं कर पा रही मैं। मेरे एग्जाम के मैदान में तुम्हारे मोहब्बत के घोड़े नक्को दौड़ाओ। देखो तम्मू मेरी बात, तम्मू तो... नहीं पम्मू नहीं, तुम मेरी बात समझो और निकलो यहाँ से। कौन भी अपन को देखे और मेरे भैया तक ये बात पहुंची, मेरी पढ़ाई रुक जाती। देखो और रजाक, अगर ऐसा हुआ, वल्लाही बोल रही हूँ, तुम्हारे को ब्लॉक करके तुम्हारे को मेरे दिल से और तुम्हारे नंबर को मेरे फोन से डिलीट करके भूल जाती हूँ। देखो अब तुम डिसाइड करो तुम्हारे को क्या करना है क्या नहीं। देखो आप गलत समझ रहे हैं, मेरी बात तो सुनो रजाक, तुम्हारे को मेरी जिंदगी का चांद बनना है। हाँ बनना है, बनना है। तो तुम भी उतनी दूर चले जाओ जितनी दूर चांद है। और दो कदम आगे चले जाओ। यार चर चर कर रिया हो नहीं, मुंह भी खोल लेने दे रही। अरे अरे मेरी बात तो सुनो। हाँ हाथ छोड़ो, ऐसा झापड़ मारती हो ना घर में जाके गिरते तुम, समझे? जरा हल्लू मारो, वो क्या है बाजार से कोदमी करियापाक पुदीना लेके आओ। बोले अम्मा जा रहे हो तुम कहाँ जाओगे, लौट कर वापस यहाँ आओगे। 4 बजे देख लेता हूँ तुम्हारे। देख कावार झिंके जैसा आएगा रे भैरे। देख देख इधर देख इधर देख। ओफो नई मशीन खरीद लिया बाप। ओफो देखा 8 दिन मेहनत करे बाद ये मशीन आई। पैसों के वास्ते कितनी मेहनत करना पड़ता मालूम? कब तक रे, कब तक तू ये पैसों के वास्ते मेहनत करेगा? पैसे तेरे वास्ते कब मेहनत करेंगे रे? पागल बातें करता क्या रे? अपने कुछ पैसों के वास्ते मेहनत करना पड़ता, उल्टा पैसे अपने वास्ते मेहनत करते रे। अरे
हवलाएगा रे, ये बोलते रे सोच बदलो किस्मत बदलो, ये छोटी सोच रही ना तो कभी तरक्की नहीं कर सकते रे। तो याद है मैं परसों क्या बोला था? क्या बोला था? अमीर लोग पैसे को पैसा कैसा बनाना सोचते, गरीबा पैसा कैसा खर्चा करना सोचते, याद है? हाँ याद है। मगर पैसे को पैसा कैसा करते रहे अमीर लोग? इन्वेस्ट करके। क्या इन्वेस्ट करना बोल, मैं भी करता हूँ। DKZ पे इन्वेस्ट करो यार। DKZ क्या है ये? DKZ इज ए सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम। तो 5,000 से लेके 5,00,000 या फिर तेरी जितनी स्थिरता है उतना इन्वेस्ट कर सकता। अगर तेरे को किसी भी तरह का डाउट रहा ना बाप, तो सीधे सीधा इनके वेबसाइट पे विजिट कर सकता, या फिर ना तो डायरेक्ट इनके ऑफिस को भी जाके जो है सो पूरी डिटेल ले सकता। इनके ऑफिस जो है सो देख हैटिक सिटी मादापुर हैदराबाद में है। नहीं बोला जाना भी नहीं हो रहा तो सीधा फोन करके फोन पे पूरी डिटेल ले सकता। तो क्या इन लोगों के अलग अलग प्लान से रहे भाई? 1 month प्लान है, गोल्ड प्लान है, प्लैटिनम प्लान है, ऑर्बिट प्लान है, और क्या है DKZ के जितने मेंबर्स है उनके वास्ते एक मेंबरशिप कार्ड भी है, जिससे जो है सो तेरे को जो है सो सुपरमार्केट लाइक डीमार्ट और जो है सो स्कूल के फीसेस में तेरे को डिस्काउंट भी मिलता। 55,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स है, तू भी इन्वेस्ट कर और पैसा कमा रहे भाई। अब तेरे को डाउट है कुछ भी तो डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स है, तो वेबसाइट विजिट कर सकता, डायरेक्ट ऑफिस को जा सकता, फिर उनको जो है सो फोन भी करके पूरी डिटेल ले सकता। क्या बोल रहा हूँ, कैसा आइडिया है? अच्छा आइडिया दिया तू, मैं भी बाबा को बोल के इन्वेस्ट करो बोलता हूँ। जा जा पैसे कमा, हमारे को भी दिया जरा कमाए था। चल जा रहा हूँ मैं। जा जा देख सुन देख सुन सुन रहे एग्जाम को गई हुई है मैंने। आते कि उसको पकड़ना है, नंबर वंबर देना है, आज गिच्ची खत्म ही करना है। क्या बोल रहा हूँ? कर खत्म कर देंगे आज। कितने बजे? मैं तुमको फोन करता हूँ। 2:30 बजे? हाँ जा। चल राइट राइट राइट। अरे हाँ नहीं, मैं बहुत डर गई थी। अरे रात भर पढ़ीच नहीं थी, मगर अच्छा हुआ पेपर इजी था। अरे आइए आइए आइए। चल 4 दिन की छुट्टी आ रही ना, उसके बाद बात करती तेरे से। जा 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 रही जा रही जा रही। मेरे कुछ भी सुने नहीं आ रहा रे भाई। अरे वाह, नई मशीन ले आना भाई, कैसा सुने नहीं आता? क्या है कि कुर 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 आवाज आ रही। कुछ भी नहीं होता रे भाई, देख कहा भी नहीं होता। तू जा हिम्मत से जाके ये उसको दे, सुन मेरी बात सुन। अरे मेरी मशीन खराब दिख रही रे भाई, मेरे को कुछ भी सुने नहीं आ रहा। मैं एक बोलूंगा उन्हें एक बोलेंगी, बन रही सो बात बिगड़ जाती। नको नको कुछ भी नहीं होता रे, मेरे को तेरे पर भरोसा है, मेरे को तेरे पर भरोसा है, मेरी बात सुन। तू जा खाली हाओ या नहीं बोल, मुस्कुरा के दे दे के आधा, बाकी का जो भी होता मैं देखता, मेरी बात कर, भरोसा है मेरे को तेरे पर। ये भी ना बात, जा सिचुएशन के हिसाब से काम कर देता हूँ अब मैं। गुड मामा, ठहर रहा हूँ, जा जा जा। हेलो रजाक भिजाया। अच्छा ये रजाक कैसा इंसान है, धोखेबाज है क्या? एक नंबर एक नंबर एक नंबर। फिर भरोसा कर सकते उस पे? नहीं 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 नहीं, मतलब उन्हें पूरे बच्चों के साथ ऐसे ही करता? हाँ रोज करता, रोज। मगर सूरत से तो अच्छा ही दिखता ना। आपकी गलत फहमी है ये। मतलब मेरे साथ भी ऐसे करेगा इनू? हाँ बराबर। मैं तो इसको अच्छा समझी थी। नहीं 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 नहीं, माँ वैसी दरिंदा दिख रहा है इनू। हाँ अम्मा दूर रहना पड़ता भाई इनसे। नहीं नहीं कभी भी नहीं। पागल हो गया क्या तू? हाँ तू क्या बोल रहा, समझ आ रहा तेरे को? नहीं। अरे हवले भैरा हो गया क्या रे तू? हाँ। अरे हट पिंडे की मेरी, तुम दोनों के बीच में मेरे को ढोलक बना दिए। हाँ मैं उसको बोल रहा मेरी मशीन खराब है रे बोले तो? नहीं खाली जाके हाउ नहीं बोलना रहता, हाउ नहीं बोलना रहता बोल के भिजाया। अब मैं तुम्हारे सामने आके हाउ नहीं बोले तो तुम पोड़ बोल के रख दिए, तरीका है ये। कहा कल्ला कभी पकड़ ले गया तू? क्या हुआ? हो गया हो गया, सोब हो गया। हाँ कभी क्या बोली ने? क्या बोली? मिल गया पिंडे में मिल गया तू। काम पे ध्यान दे, फोकस ऑन योर गोल। ए भाई रे क्या करके आया रे तू? हाँ अरे मैं कुछ भी नहीं करा रे भाई, तू बोले ऐसा जाके मैं हो नहीं बोला। उन्हें क्या बोली कि क्या समझी कि मेरे को तो नहीं समझ में आया, मगर मैं समझ गया देख, तेरा काम हो गया। अरे वो भाई रे तेरे को क्या करके बोले तो क्या करा रे? मैं बंजे में बजने वाला ढोलक दिख रहा हूँ तेरे को, उधर गए तो उन्हें बजा रही, इधर आए तो तू बजा रहा। मेरे को और बजने का शौक नहीं है रे भाई।
क्या बोला? कुछ भी नहीं बोला रे भाई, कुछ भी नहीं बोला। भाई रा क्या कर क्या है कि क्या नहीं किरे भाई, हमें कुछ जाके कुछ तो भी करना पड़ता। तन्नो माँ का इसकी ऐसी अंदर घुस गए तो फुट जाती, सेफ्टी के साथ जाना, क्या बोले तो डिलीवरी बॉय। ठहरा आज तो तेरा काटो। तुम यहाँ क्या कर रहे? देखो वो काला वो भैरा क्या बोला क्या नहीं बोला मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मेरे को नहीं हो रही। तो मैं आ गया, अब बोलो ने क्या बोला तुम्हारे को? क्या भी नहीं बोला, तुम घर जाओ, मैं तुम्हारे को फोन कॉल करती हूं। नहीं फोन वोन कुछ भी नहीं, जो भी बोलना है फेस टू फेस बोलो तुम। मैं नहीं बोलती हूं, बोल रही ना, तुम घर जाओ, फोन कॉल करती हूं। वैसे मेरे भैया के आने का टाइम हो रहा, देखो तुम उनको नहीं जानते, उन्होंने पहले छेड़ के रखा आदमी है, तुम्हारे को मार के ना फोड़ देंगे तुम्हारे को। अरे आंदो टैया आंदो जी, तुम्हारे फर्क नहीं पड़ता, मैं गुस्सा रही, प्यार करने वाले नहीं डरते, जो डरते उन्हें प्यार नहीं करता। ये देखो तुम ना गलत टाइम पे गलत जिद पकड़ के बैठे, मेरे भैया आए ना तुम्हारे को मार के कुप्पा कर देंगे। देखो तमन्ना, बस मेरी एक ही तमन्ना है, तुम्हें मेरे बच्चों की अम्मा बनना है। देखो ये बनने बनाने के बाद अपन बाद में बैठ के करेंगे, समझे? अभी तुम निकलो, ऐसे मेरी उल्टी आंख फड़कने लगी, मैं तो भी गलत हो रहा जैसे लग रहा। कुछ भी नहीं होता जी, मैं वैसा बच्चा नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता। तुम ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते, तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा बोल रही हूँ। तो क्या तुम करते? मैं नहीं, हमारे भैया। अरे छोड़ो जी तुम्हारे भैया और तुम, एक तो भी बाल हिला नहीं, मेरा एक भी बाल हिला नहीं सकता तुम्हारा भैया, समझे? ऐसा तो ठहरो, इधर ही ठहरो, हमारे भाई के आने का वेट करो। देखो तम्मू, जितनी मोहब्बत से मैं बात कर रहा हूँ ना, उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक हूँ मैं यहाँ। ऐसा तुम जितना खतरनाक समझ रहे ना अपने आप को, उससे दो गुना ज्यादा खतरनाक हमारे भाई है। देखो बात बिगड़ने से पहले चले जाओ। अरे मैं भी वही बोल रहा हूँ जी, बात बिगड़ने से पहले मिलने का वादा कर लो, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है क्लियर कर देता हूँ। हाँ करती हूँ, तुम जाओ यहाँ से, भैया के आने का टाइम हो गया। रात में फोन कर रहे तुम मेरे को। हाँ करती हूँ, तुम जाओ यहाँ से, भैया के आने का टाइम हो गया। तुम मेरे को पसंद करते ना? हाँ करती हूँ, तुम जाओ यहाँ से, भैया के आने का टाइम हो गया। अरे क्या भैया 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 कर रहे जी, तुम्हारे भाई को इंश्योरेंस है? नहीं। काय को नहीं है तो करा लो बोलो, जो भी मेरे से घस लेता ना उसको ऐसी जगह चरपटे मारता हूँ, क्लेम करे थे का कम नहीं होता। बहुत हो गए तुम्हारे भामटे बाता, समझे तुम? तुम्हारी हालत देखे तो एक मच्छर मारे जैसा नहीं दिख रहा, हमारे भाई को मारते तुम। ऐसा मेरे साथ बड़ी बात, आंदो आंदो तुम्हारा भैया ऐसा फिरा फिरा के घुमा घुमा के मारता हूँ, हाथा पर हाथ जोड़ के मेरे सामने माफी मांगना है, समझे? अरे सही बोले जी, तुम्हारे भैया सही में है? सही में। अरे तुम डरा रहे तो नहीं ना? नहीं। अरे तो अब क्या करूं मैं? चुपो। कहाँ छुपूं? सीढ़ी के नीचे चुप हो जाओ। अरे ऐसा कैसा छुपते थे, गेट खोलते कि तुम्हारे सीढ़ियां दिखते, कैसा तभी घर बना तुम लगा, खुलाड़ा नहीं है, खुलाड़ा में जाकर छुपता, बोलो। हम लोग क्या मुर्गियां पालने वाले दिख रहे तुम्हारे को, खुलाड़ा खुलाड़ा कर रहे, छुपो गए तभी। अरे तुम्हारा भाई का चिराग में का जिन ऐसा नाम लेते आ गया, क्या करूं मैं अब? अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़कम। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये हमारी सीरीज़ इश्क बहुत पसंद आ रही होंगी, बिकॉज एक ज़माने के बाद ऐसा हैदराबाद में लव स्टोरी के ऊपर हम लोगों का काम करें और अच्छा कंटेंट भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस अब बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, हमारा कंटेंट आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हमें कमेंट करके बताओ और बहुत ज़्यादा वायरल करो। डन। आमिर भाई, ये हमारे आमिर भाई है, जो मैं आमिर भाई बैठ के जो है ये कॉन्सेप्ट पे काम करे। तो गाइस आप लोगों को स्टोरी कैसा देखी वो भी बोलो, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या देखना चाह रहे हैं वो भी बोलो, और शेयर जरूर करो, लाइक जरूर करो। थैंक यू सो मच, अगले एपिसोड में मिलेंगे बहुत जल्दी। Yeah.